हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल वर्मा। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, सेकेंड नेशनल डेल्फिक समिट 2022 हो रहा था। तो इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल रमेश परसाना जी मेरे साथ हैं। तो आइए जानते हैं उनसे बात करके कि डेल्फी काउंसिल को और ज़्यादा आगे बढ़ावा देने के लिए उनका क्या क्या संयोग और उन्होंने किस तरीके के अरेंजमेंट किया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। नमस्कार। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका एक सिंपल आंसर है। यहाँ हमारी डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हमारी स्टेट काउंसिल है, और स्टेट काउंसिल के प्रभारी इंजीनियर अशोक सिंह जी हैं। तो इनके सौजन्य में सारा कुछ हुआ है और हमने सिर्फ एक रास्ता दिखाया है, एक मार्गदर्शन दिया है कि किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये एक नेशनल डेल्फिक समिट है जिसमें पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की यहाँ पर मिलन होनी थी, यहाँ मंथन होना था, यहाँ लोगों को अपना सोचना था और आगे बढ़ने के लिए क्या प्लान्स करने वो करना था। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कुछ लोग आए थे जिनसे हम लोगों ने कुछ ज्ञान प्राप्त किए, और इसके अलावा इंटरनल बातें हमारी जो होनी थी वो हुई, और जो दोस्ती और जो एक सद्भावना बनती है लोगों के बीच में, एक भावना बनती है और लोगों के बीच में बॉन्ड बनती है, वो बनाने का हमारा एक मकसद था। तो उसमें मेरा योगदान यही रहा है कि मैंने थोड़ी बहुत मार्गदर्शन किए हैं, बाकी सब स्टेट यूनिट ने किया है और उन्हें बड़ा अच्छा काम किया। सर, बात करें अगर आर्ट और कल्चर को लेके, कल्चर तो आगे बढ़ता ही आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? आर्ट कभी पीछे रहा नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ में सबके पास आर्ट है, हम सबके घरों में आर्ट है। हम लोग जो भी करते हैं, चाहे हम लोग घर में, हम लोग जिस तरीके से खाना बनाते हैं, जिस तरीके कपड़े पहनते हैं, घर को जिस तरीके से सजाते हैं, जिस रंग की गाड़ी खरीदते हैं, जिस रंग की घड़ी खरीदते हैं, ये सब आर्टिस्टिक माइंड से ही आता है। तो प्राइमरली हम सब आर्टिस्ट हैं, बस ये होता है कि धूल मिट्टी लग जाती है, क्योंकि दुनिया की जो भागम दौड़ी होती है उसमें लोग शायद ये सब छोटी छोटी मतलब लुत्फ़ाना भूल जाते हैं। और अदरवाइज स्पीकिंग, नेचर आप देख लीजिए अपने आसपास में, जो कुदरत है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। ज़रूर ये बात है कि जो प्रैक्टिसिंग आर्ट से, यानी कि जिस आर्ट में लोगों की मेहनत लगती है, जो लोग खुद करके उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसमें काफ़ी तादाद में कम हो गई है, क्योंकि पहले लोग हाथ से बनाते थे और अब ये हो गया है कि लोगों को मशीन से बनाने की आदत हो गई है, और जो हाथ से बनाने वाले कारीगर हैं उनको तकलीफ़ हो रही है। तो उस लिहाज से आर्ट ज़रूर, और आर्ट या क्राफ्ट फॉर दैट मैटर, और हेरिटेज भी फॉर दैट मैटर, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम होती जा रही है, पर उसको सही रखने का प्रयास हम ऐसे करते हैं कि हम सबको साथ में जोड़ते हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, और उनको अच्छे अच्छे माध्यमों के थ्रू हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं किस तरीके से आगे बढ़ें। ये सामूहिक चीज़ है जो हम मिल के करते हैं, और एक मुहिम है ये, और इस मूवमेंट में हम लोग पूरे दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं। तो किसी को भी किसी किस्म की सहायता चाहिए होती है अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आर्ट को, अपनी क्राफ्ट को, अपने कल्चर को, कुछ भी बढ़ाने के लिए, उसमें हम जितनी हो सकते हैं हम सहयोग देते हैं। सर, मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे, ये जो डेल्फी काउंसिल है, ये सबसे पहले कहाँ से आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये 2600 साल पुरानी कहानी है। ये एंशिएंट ग्रीस में शुरू हुई थी। ग्रीस जो देश है उसमें एक डेल्फी नाम की जगह है, जो एक ज़माने में सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जगह हुआ करती थी एंशिएंट वर्ल्ड में। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से आते हैं, तो वैसे बहुत सारे सिविलाइजेशंस थे दुनिया में, उसमें से एक सिविलाइजेशन ग्रीस सिविलाइजेशन भी थी, मेसोपोटामिया थी, आपकी इजिप्ट की तरफ थी, और साउथ अमेरिका में थी। तो जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी, जो इंडस वैली हम कहते हैं, जो लार्जर इंडिया था, और जो ग्रीक सिविलाइजेशन, ये दो सिविलाइजेशन में बड़ी खासियत थी। यहाँ पर कला और संस्कृति पर बहुत जोर था, और बेसिकली इसकी शुरुआत हुई है उस जगह से, जो एक ज़माने में एक बहुत ही बढ़िया शहर हुआ करता था। फिर बहुत सालों की बात है, 2600 साल, तो बहुत सारे लड़ाइयाँ होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा। तो अब वो एक बहुत सुंदर सा गांव है, पहाड़ों पे पारनासस माउंटेंस नाम है ये एक, जो जगह है वो बहुत सुंदर जगह है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समंदर है, और ये बीच में है बिल्कुल। और वहाँ पर सुंदरता ये है कि बस सिर्फ एक 30 या 40 किलोमीटर के रेंज में बर्फ़ भी पड़ता है, समंदर भी है, और सब किस्म की कुदरती चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में हम कहते हैं शिव भगवान को हम लोग लेते हैं, जैसे कि शिव भगवान भी माने जाते थे, एक कला के बहुत बड़े मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक सिंबल माने जाते थे। सरस्वती देवी है जिसको हम मानते हैं कि कला की देवी हैं, वैसे ही ग्रीस में बहुत सारे, आपने सुना होगा, ग्रीक गॉड्स के नाम बात करते हैं। तो गॉड अपोलो एक ही बहुत ही सक्षम, मतलब उस ज़माने में जैसा कहते हैं कि जैसे हमारे सरस्वती देवी से कंपेयर करें हम उनसे, तो वैसे उस किस्म के कला और संस्कृति के वो देवता थे, और उनके एक ऑनर में ये गेम्स की शुरुआत की गई।
क्योंकि वहाँ पर एक 12 अलग अलग जो ट्राइब्स होते हैं यानी प्रांत के लोग लड़ते थे कि हमें उनकी जो श्राइन जिसको कहते हैं, मंदिर कह सकते हैं, संस्थान कह सकते हैं, उसको हमें चलाना है। तो एक वहाँ पर उस जमाने पिथिया नाम की एक औरत हुआ करती थी, जो एक औरत नहीं थी, बहुत सारी थी औरतें थी, बहुत साल हजारों सालों के ऊपर। उनके पास एक खासियत थी, वो बैठते थे तो वो फ्यूचर बता सकते थे, उनको फोर टेलर कहा जाता था। तो उन्होंने एडवाइस दिया इन 12 लोगों के, आप वाई डोंट यू गेट टुगेदर, आप जुड़ जाओ, जुड़ के आप लोग दुनिया का पहला कोलिशन, दुनिया का पहला डेमोक्रेसी वहाँ से शुरू हुआ। और ये लोग सब मिलके उनके ऑनर में, गॉड अपोलो के और पिथिया के ऑनर में, उन्होंने डेल्फिक गेम्स की शुरुआत की। तो ये बेसिकली एक छोटी सी गांव से निकलती है, 2600 साल पुरानी कहानी है। अब जाके बहुत सालों के बाद, जब हजार साल तो चली है ये, और बड़े बड़े नाम इससे जुड़े हुए थे, सोक्रेटस, अरिस्टोटल, जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसके अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत सारे राजा रानियाँ, बहुत सारे लोग। उसके बाद फिर करीब 1894 में ये ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी। और ये बात आपको बता दूं कि डेल्फिक और ओलंपिक एक ही थी, तो उनकी माँ एक ही हैं, जिनका नाम पिथियन गेम्स है, क्योंकि डेल्फी में शुरू हुई थी इसलिए डेल्फिक गेम्स है। और जो चूँकि पिथिया की वजह से ये पूरी कोलिशन बनी थी, इसीलिए उसको पिथियन गेम्स भी कहा जाता था। तो जैसे दो दो नाम हैं, जैसे हम इंडिया को भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, तो उस तरीके से था। और उसके बाद में जब वॉर्स हुई, सारा कुछ हुआ, तो ऑब्वियसली वो स्पोर्टिंग कंपोनेंट जो है, जिसमें खेल कूद थे, वो थोड़ा अलग हुआ, और जो आर्टिस्टिक कंपोनेंट वो थोड़ा अलग हुआ। और दोनों जुड़ने का ओरिजिनल मकसद ये था कि जैसे हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहती है कि जब तक तब तक इंसान सक्षम नहीं है जब तक वो फिजिकली फिट हो, मेंटली अजाइल हो, आर्टिस्टिकली बहुत निपुण हो, तभी जाके एक इंसान संपूर्ण बनता है। तो इस वजह से वो एक गेम्स हुआ करती थी। अब 1894 में नया दौर शुरू हुआ और ओलंपिक गेम्स अलग से शुरू हुई फ्रांस में, और 1894 में हम डेल्फिक गेम शुरू हुए। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी 2600 साल पहले। बहुत बढ़िया सुनाया आपने सर डेल्फी काउंसिल के बारे में दर्शकों, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी। वक्त की कमी की वजह से एक सवाल से थोड़ा सा और पूछना चाहूँगी, फर्स्ट नेशनल डेल्फी काउंसिल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और उस वक्त कौन से इवेंट रखे गए थे? पहली बात तो एक शुरुआत कर दूँ कि हम 2002 से इंडिया में हैं, और 2002 से हम बड़े जो इंटरनेशनल डेल्फिक गेम्स होता है, जैसे ओलंपिक्स होता है, हमारे डेल्फिक गेम्स होते हैं, उसमें कला और संस्कृति होती है, वहाँ पे हम इंडिया के को लेके जाते थे। कभी 200 से 300 आर्टिस्ट जा चुके हैं अलग अलग गेम्स के लिए, और इंडिया से भी गोल्ड मेडल विनर्स हैं। हाँ, अब लास्ट ईयर मतलब 2021 में पैंडमिक के बाद हमें एक लगी कि भाई हमें सब लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है लास्ट माइल तक। इस वजह से हमने इंडियन डेल्फिक काउंसिल की स्थापना पुनर्स्थापना की। इसमें हम लोगों ने अलग अलग प्रांत जोड़े। तो पहला जो डेल्फिक समिट था वो था अप्रैल में ये साल में, और उस डेल्फिक समिट में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। तो इंटरनल बातें भी हम लोगों ने की, कैसे इसको बढ़ाना है आगे, इसमें सेशंस भी थे, और इन सेशनों में वो सारे सेशंस थे कि आज की तारीख में मॉडर्न ज़माने में आर्टिस्ट कैसे सर्वाइव करे, कल्चर और कला की सर्वाइवल कैसे हो। और उसके बाद में हमने ये भी डिस्कस किया कि डेल्फिक गेम्स कैसे करना चाहिए, कि इंडिया में जब करेंगे तो उस किस तरीके से उसको उठाना चाहिए, मेंबर्स कैसे बनाने चाहिए, और लोगों से कैसे जुड़ना चाहिए, दुनिया तक कैसे जानी चाहिए, और लोगों को कैसे सेंसिटाइज करना चाहिए कि कला और संस्कृति हमारे ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये डेलिब्रेशंस हुई थी और इस किस्म का हुआ था, और काफ़ी लोग आए थे। और उस समिट और इस समिट के बीच में जो जोश और जो एक किस्म का एक माहौल बना हुआ है, इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है कि अब मुझे लगता है कि ये भारतवर्ष में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाली है। सर बात करें अगर यहाँ के सेकंड नेशनल डेल्फी काउंसिल का जो आपने किया है, ये कश्मीर में ही क्यों किया गया, कश्मीर को क्यों चुना गया? हम मानते हैं कि कश्मीर इंडिया का ताज है, हम सभी मानते हैं, और हम सभी मानते हैं कि जो भी सिचुएशंस रही होगी, कश्मीर की कला और संस्कृति इतनी डीप और इतनी अच्छी है, गहरी है, कि हम चाहते थे कि भाई कश्मीर तक लोगों को हम ले आएँ, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि भाई जिस जगह को शायद अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, शायद रिसोर्सेस कम हो, और शायद ऐसा हो कि बाकी जगहों के जैसा हम मतलब एक माहौल ना हो, उस जगह पे भी कुछ चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर सकते। तो हमने शुरुआत कहाँ की, हमने जो विद्या का जो मंदिर जिसे कहते हैं, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हमने शुरुआत की। तो एक सिम्बॉलिक है, ये सिम्बल है, ये कहने का हमारा मतलब है कि कल्चर एजुकेशन से आता है, कल्चर जो है पढ़ने लिखने से आता है, और वो कल्चर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में देखते हैं। और कला और संस्कृति को हम यहाँ पर इसलिए हमने चुना कश्मीर, क्योंकि हमें लगा कि कश्मीर, ये समय आ गया है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर प्राइमरीली, इनको एकदम पूरी तरीके से, जैसे दुनिया में हर अपॉर्चुनिटी हर आदमी को मिलता है, तो ये हम
जम्मू और कश्मीर के लिए भी हम करना चाहते हैं। तो हमारी एक छोटी सी एक कोशिश है कि हम शुरुआत करें यहाँ से और इसको हम आगे ले जाएं। सर लास्ट में क्या एक मैसेज देंगे आप न्यू यंगस्टर्स के लिए? देखिए यंगस्टर्स में बहुत जान है, यंगस्टर्स जो हैं ये यंग थिंकिंग है और बहुत सुंदर थिंकिंग है, और मैं मानता हूँ कि ये जनरेशन जो है दोनों तरफ से, कुछ लोग कहते हैं जनरेशन खराब हो गई है, कुछ कहते हैं बहुत अच्छी हो गई, तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छी चीज़ें देखो, और ये जनरेशन की जो निपुणता है हर चीज़ में, इस जनरेशन की जो शार्पनेस है, इस जनरेशन की जो परसेप्टिव इंट्यूशन पावर्स हैं और इनकी सीखने की जो एबिलिटी है, बहुत आसान हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी मदद करती है। हमारे ज़माने में हम हाथ आँख कान नाक सब ये यूज़ करते थे और हम बेसिकली हम फिज़िकल बीइंग थे, अब हम टेक्नो बीइंग हैं, यानी कि अब फिज़िकल भी हो टेक्नोलॉजी भी है। तो हमारी यंगस्टर्स के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज रहेगा कि भाई जो करना है फोकस करके करना, माइंड को बदलते नहीं रहना, क्योंकि यूथ में एक इश्यू होती है, हम सब ने वो फेस से हम गुजरे हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, और अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जो चीज़ लें अच्छे से करें, जो दिल को सही लगता है वो करें, और ज़िंदगी में और कुछ कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है और दुनिया बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मिस्टर रमेश परसाना जी, मुझे उम्मीद है इनकी जो बातचीत है आपको पसंद आई होगी। आर्ट और कल्चर को आगे बढ़ावा देने के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से मैंने सारी बातें लाइव टेलीकास्ट रिकॉर्डेड भी सामने रखा, तो मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम को लाइक शेयर और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि इसको और ज़्यादा आगे बढ़ावा कैसे दिया जाए। तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय। कुदरती जड़ी बूटियों का अनमोल उपहार आयोलाइन का 7+ डायबिटिक केयर को अपनाएं।